अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर। आई एम सर अहमद फ्राम सीपीएस लाला मुसा। आज हम कंप्यूटर के फर्स्ट लेक्चर में कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की डिफाइन के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली मशीन है जो कि प्रोसेस करती है डाटा को। डाटा क्या है वो हम लेक्चर के आगे थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। दोबारा, कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को प्रोसेस करती है और उसको इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देती है। इंफॉर्मेशन और डाटा में फ़र्क। डाटा जो है वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। रॉ फैक्ट एंड फिगर्स से मुराद के वो फैक्ट्स, वो वजूहत जो कि आम हालत में हैं, हमारे लिए ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं हैं, वो डाटा कहलाती हैं। डाटा की अगर डिफ़ाइन की जाए तो डाटा जो है वो एक मजमूआ है किसका? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स का, आम हालत में मौजूद वजूहात और फैक्ट्स का। अगेन रिव्यू करते हैं, डाटा जो है वो एक कलेक्शन है रॉ फैक्ट्स और फिगर्स का। डाटा की टाइप, डाटा जो है वो टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है जैसे कि नाम अली, ऑडियो की सूरत में हो सकता है, वीडियो की सूरत में हो सकता है और इसके साथ साथ नंबर की सूरत में, यानी कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम शामिल करते हैं 02208, ये डाटा की नंबर टाइप है। डाटा जो है वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर है। डाटा की टाइप में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, नंबर और इसके अलावा फर्दर इनके कम्बिनेशन से भी इसकी टाइप्स वजूद में आती हैं। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन। जब उसी डाटा को जो कि हमारे लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं था उसी को प्रोसेस किया जाता है तो डाटा को तब हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है जो कि ज़्यादा मीनिंगफुल है, ज़्यादा अहमियत रखती है आम डाटा की निस्बत। डाटा और इंफॉर्मेशन दोनों ही कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कंप्यूटर को समझने के लिए हमें डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में जानना लाजमी है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।